नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सिंह एक बार फिर से जुड़ चुका हूं आपके साथ। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जिन पर सबकी नज़रें हैं, जिनमें पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर के गृह मंत्री राजनाथ सिंह तक की सीटें हैं, पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की भी सीटें हैं, और गोरखपुर से भी सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा भी दांव पर रहेगी। हम गोरखपुर के अम्बेडकर पार्क में हैं और यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या किस तरीके से जो है कि सरकार काम कर रही है। सर, आपका नाम? धीरज सिंह। तो बताइए, क्या लगता है कि इस बार कौन सी सरकार आएगी और क्यों आएगी, किस मुद्दे पे? सरकार आने की संभावना तो हमें कांग्रेस की लग रही है। कांग्रेस की? व्यक्तिगत रूप से जी, क्योंकि बीजेपी ने देश हित मुद्दे को छोड़ करके रोजगार के प्रति एक इंच का कोई काम नहीं किया है। जी, सिर्फ देश हित के मुद्दे के लिए उन्होंने पुलवामा मुद्दा जैसे को भुनाने की कोशिश की है जी, जिसमें सैनिकों का योगदान रहा है तो उस योगदान को स्वयं भुनाना चाह रहे हैं जी। और कभी भी रोजगार के प्रति इस मुद्दे पर भाजपा की सरकार ने कभी भी जनता के बीच कोई बात नहीं की, हमेशा भागने की कोशिश की है जी। कांग्रेस ने न्याय नाम से जो अपना ये समर्थन दिया है कि हम 72,000 रुपये देंगे जी, अगर वो दे देती है जी, तो आने वाले 2 साल बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में अच्छी सीटें वो निकालेगी। और विगत 5 राज्यों में जो उसने अपना काम किया है, जो वायदा किया है उसको करके निभाया है, ये जनता को दिखाया भी है। और भाजपा ने जो 2014 में अपने घोषणा पत्र में जितने भी वादे किए थे उसमें से एक भी वादा अगर उसने कोई पूरा करके दिखाया है तो अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी खुद जनता के बीच आएँ और घोषणा पत्र में दिए गए वादों को एक एक करके बताएँ कि स्मार्ट सिटी परियोजना में जो 100 शहरों को चुना गया था जी, उसमें से 1% अगर उन्होंने कोई काम किया है तो जनता के बीच में आके इसकी जवाबदेही तय होती है। मतलब कुल मिलाकर के पास जुमलेबाजी की सरकार रही है। बिल्कुल बिल्कुल पूरा बिल्कुल जुमलेबाजी हर एक सरकार करती है, जो भी चुनाव लड़ती है हर एक सरकार करती है जी। लेकिन घोषणा पत्र में किए गए वादों को याद करें जो 2014 में उन्होंने कहा था, और किसी एक घोषणा पत्र के बारे में बता दें जो उन्होंने पूरा किया हो। अच्छा, कहीं ना कहीं परसों यहाँ पे 2 दिवसीय दौरे पे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, और उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार है, तो इस पर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, ये समाजवादी पार्टी और बसपा की जो सरकार से बेहतर है जी, लोगों से अपील भी होती है कि वो एक बड़ी केंद्रीय पार्टी को चुने, या तो भाजपा को या तो कांग्रेस को जी, जिसने काम किया हो, लेकिन इन दोनों पार्टियों को बिल्कुल वोटना दें जी। अच्छा, नोटबंदी से क्या समझते हैं? नोटबंदी हुआ तो क्या सही हुआ या फिर गलत हुआ? नोटबंदी से मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। एक फायदा उससे जरूर हुआ कि जो नक्सलियों ने छुपा कर पैसा रखा हुआ था और जो व्यक्ति कैश पैसों को अपने पास, जो है पार्टियां जो है अपने कैंडिडेट से पैसा लेती हैं, वो छुपा कर रखी थी, उनका पैसा वो ख़त्म हो गया जी। ये एक फायदा हुआ, और जनता को इससे कोई लेना देना कोई विशेष मतलब नहीं है, मध्यम और निम्न वर्ग से कोई मतलब नहीं है जी। तो ये थे सिंह साहब, जिन्होंने बताया कि भाजपा बस जुमलेबाजी की सरकार थी। और भी तमाम लोगों से हम बातें करेंगे। तो बताइए कि जैसे सिंह साहब का कहना है कि भाजपा सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार रही है। गलत बात है जी। ऐसा है, मोदी सरकार ने गरीबों को मकान बनवाया, घर घर बिजली उसने दिया, इसके अलावा शौचालय बनाया, गैस दिया, लेकिन इसके अलावा और क्या चाहिए जी? और इसके बताइए 6,000 रुपया जो अभी दिया है, 2,000 रुपया हमारे खाते में भी आया है जी, हम तो मोदी को देंगे। अब मोदी के अलावा भारत में ऐसा है कोई? राहुल होने वाले हैं, राहुल की बात आप देखते ही हैं, जो बोलना नहीं वो बोल देते हैं। मतलब राहुल कुल मिला सपा को देख रहे हैं जी, जो आ गए गुंडा राज स्टार्ट हो गया। हाँ, मतलब अभी मानते हैं गुंडा राज है सपा में। बाप को बाप जी, अभी तो मजबूरी में गठबंधन है जी, मायावती जी को 0 की पारी इसलिए मिली है कि 2-4 सीट हमको भी मिल जाए भारत का। अगर नहीं आएंगे तो भारत 2 हिस्सों में बट जाएगा, इसलिए नरेंद्र मोदी को आना बहुत जरूरी है। और रह गई बार राहुल की, राहुल को मंच पर आप देखते हैं जी, जो कुछ शब्द बोलने उनको आता है, लेकिन जो परसों घोषणा पत्र जारी किया उन्होंने हाँ? तो उसमें तो कई कि जो 34 से हटाने के लिए ये बताई आतंकवाद वाला का कानून हट जाएगा, घर में घुस करके आतंकी आ जाएंगे जी, आप देख रहे हैं, हम लोगों को जीना मुश्किल हो गया।
जी। तो उन्होंने तो ये भी कहा ना कि जिस तरीके से भाजपा जुमलेबाजी की थी कि 15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन वो तो नहीं आए। अरे भाई जी, घर दिया, गैस दिया, बिजली दिया करके बिल करके भाजपा देगी। जी चचा जी, तो आपका भी कहना सही है। तो हाँ। आप अब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? वही पूछा मुझे, वही देखिए अभी बुजुर्ग महोदय ने ये बात कही है कि कांग्रेस की सरकार ने घर दिया, बिजली दिया, गैस दिया। क्या 2014 के पहले ये तीन चीज़ें जो जनता से अछूती रही हैं कि उसको बिजली नहीं मिली है, गैस मिली है या घर नहीं मिला है? दूसरी बात, 35A की बात जो कांग्रेस ने कही है जी, वो कहाँ किस घोषणा पत्र में कही है कि 35A को हम हटाने जा रहे हैं? उसने ये कहा है कि हम इसकी समीक्षा करेंगे जी, सिर्फ ये बात कही है। दूसरी बात, आपको याद होगा 1971 में इसी कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश के नाम से एक अलग किया था, जबकि भाजपा शासित केंद्र की सरकार में आज इस जो तनाव बालाकोट के मामले में हुआ था, पूरा उनके पास ये समय था, पूरा विश्व समुदाय उनको समर्थन दिया था कि अपनी इस चीज को खुल के सामने आए, लेकिन इन्होंने सिर्फ सेना को एक हथियार की तरह उपयोग किया और सही अवसर का फायदा न उठाते हुए फिर वही परिस्थितियां पैदा की जो आज प्रतिदिन देखी जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कौशल विकास योजना हुआ या फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना है, तो इसके तहत तो भाजपा ने बहुत सारे काम किए हैं, ये लोगों का कहना भी है। अमित शाह ने मुद्रा बैंक योजना के नाम से एक स्कीम चलाई थी जी। मैं दावा करना चाहता हूँ कि मुद्रा बैंक योजना की सरकारी आंकड़ा को नजरअंदाज कर कैग के द्वारा ये जांच कराई जाए कि मुद्रा बैंक योजना के तहत कितने लोगों को पैसा मिला और वो पैसा मिला तो कितने लोग स्वरोजगार कर रहे हैं जी। अच्छा, ये सब तो बातें हो गई। अब ये बताइए, गोरखपुर से किसकी उम्मीद है? गोरखपुर से ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा की मटिया मटेर लपेट होगी वो योगी आदित्यनाथ की वजह से। इसलिए होगी कि इन्होंने पूरे प्रदेश को ठेके और आउटसोर्स में दे रखा है। सारे बेरोजगार लड़के वो ठेके के बेचे जा रहे हैं, जो 5,000, 6,000, 4,000 जो उनको दिए जा रहे हैं वो दर दर भटक रहे हैं, वो भी पैसे उनको नहीं दिया जा रहे हैं जी। और 68,500 की भर्ती जो उन्होंने की है, उस भर्ती में अनियमितता उजागर है। जिन बच्चों की कापी जांची नहीं गई थी उनको नियुक्ति पत्र दिया गया था, कोर्ट ने इस बात को जाहिर किया है जी। और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जिन्होंने अपनी कापी मांगी गई थी उनकी कापी जला दी गई थी, उनके सामने प्रस्तुत नहीं किया गया था। और ये भी भर्ती जो कोर्ट के अधीन है, और इस दो से ढाई वर्ष के शासन में योगी सरकार ये बताया कि रोजगार में कितने लोगों को रोजगार उन्होंने दिया है। अच्छा, अभी एक खबर आ रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी की जीवनी के ऊपर बन रही है एक फिल्म, तो इसको आप क्या किस तरीके से लेते हैं कि क्या ये उनका एक प्रचार करने का तरीका है या फिर कुछ और? हर व्यक्ति को राजनीति में कुछ नया करने की स्वतंत्रता होती है, आज़ादी होती है। अगर किसी ने काम किया है तो उसको प्रचार करने की जरूरत क्या है जी? अगर पूरी जनता में बात कर रहे हैं कि हमने जनता के पीछे ये किया है, वो किया है, सारे काम किया है, तो इसके लिए प्रचार की जरूरत क्या है? अगर वो किया है तो आएंगे जी। प्रचार करने की जरूरत क्या है? वो एक ढकोसला है। तो देखा, जैसे बताया कि ढकोसला है, अब कुछ छोटे बच्चे भी हैं। बाबू, क्या लगता है कि किसको मानते हो तुम? राहुल गांधी को मानते हो कि मोदी को मानते हो? मोदी को मानते हो? अगर वोट देने की तुम्हारी उम्र होगी तो किसको दोगे? मोदी को। तुम बेटा किसको दोगे? बाबू, मोदी को ही दोगे। तो यहाँ बच्चे भी कह रहे हैं मोदी, लेकिन साहब कह रहे हैं कि बस जुमलेबाजी की सरकार थी। आइए इन चाचा से पूछते हैं, क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर आप? किसके पक्ष रखेंगे आप? हम तो भाई बीजेपी का पक्ष, बीजेपी ही। आप भी बीजेपी है? मतलब और कोई है जो है सपा या कांग्रेस या फिर कोई और? वो सर थे कांग्रेस के पक्ष में थे। तो देखा आपने, जिस तरीके से हम यहाँ बातें किए और इस पे पता चला कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मतलब कि झूठे वादे किए थे, और जिस तरीके से परसों के घोषणा पत्र में राहुल गांधी ने कहा बताया है कि 72,000 गरीबी पे वार 72,000, ये बता दें कि अगर 72,000 वो देती है 20% गरीब जितने भी लोग हैं उनको, तो साल के 6,50,000 हो ना सर, 6,50,000 देगी। और बड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बन रही है कैमरा मैन आदित्य सिंह के साथ AS न्यूज़। कुछ महिलाएं भी हैं, अब उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस पे। मैम, आपका नाम क्या है? थोड़ा आगे। आपका नाम? मेरा नाम बबीता यादव जी। तो आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा, मोदी लहर है या फिर की कांग्रेस या फिर सपा या फिर बसपा? महागठबंधन। मतलब गठबंधन के साथ है आप? अब तक क्यों ऐसा, क्यों गठबंधन? हमें अखिलेश यादव अच्छे लगते हैं। अखिलेश यादव अच्छे लगते हैं? जो भी किए हैं आज तक, मतलब जो भी काम, वो हमको बहुत अच्छा लगा है।
हम लोग मतलब अखिलेश की तरफ से ही हैं। सारी बड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन आदित्य साई के साथ AS न्यूज।